ईद मुबारक, ईद मुबारक। हम जा रहे हैं। ओके ओके। और आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत दिल की गहराई। फिर ऊपर जाके फिर लंबी नींद सो जाते हैं। कहाँ जा रहे हो डॉन? धमाके करने जा रहे हो? ये काट दी, काट दी। हमारी बाइक भी जा रही है, देखेंगे नहर में अपन, और मर्सिडीज में आएंगे अपन। लेडीज यहाँ से जाएंगे, लेडीज हनी वहाँ से जाओ। अच्छा लग रहा है, मेहमान वाले पर आ गए, लस्सी पीने। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज है ईद का पहला दिन और अभी बस रेडी हो रहा हूँ। 7:30 टाइम हो रहा है, तकरीबन आधी घंटा है जमात में, तो नमाज वगैरह पढ़ते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं। और आप सबको मेरी तरफ से ईद बहुत बहुत मुबारक। हाँ तो गाइस तकरीबन मैं तैयार हो गया, बस ये टोपी लगाना बाकी रह गई है। भाई जैसा कि आपने देखा कि हमने ईद की नमाज भी पढ़ ली है और सबसे ईद भी मिल ली हमें। इकराम भाई आपको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। अहमद भाई आपको भी ईद बहुत बहुत मुबारक हो। अजी भाई आपको भी ईद बहुत बहुत मुबारक हो। तो अब घर जाते हैं, खीर वगैरह खाते हैं। तो भाई अभी तस्वीरें वगैरह खींच रहे थे, घर पर जाने का प्रोग्राम हो रहा था मेरा, लेकिन हमारे दोस्त हैं हनी भाई, आदि भाई, ये बोले तस्वीरें खींचने जाएंगे मीर के पास। तो अब क्या कर सकते हैं, इनकी बात भी मानना पड़ेगी, मेरे मीर के पास चलना। हमारे जो व्यूअर्स हैं आप इनको ईद मुबारक कह रही है, सबको ईद मुबारक है। और आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत दिल की गहराई से आदि भाई, मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपके व्यूअर्स को ईद मुबारक। आपको आदि भाई की तरफ से दिल की गहराई से ईद मुबारक। ये सामने खड़े हैं, बुला रहे हैं, ये दिख गए होंगे आपको, ये भी तस्वीरों की चलत ही बना रहे हैं। तो भाई बस चलते हैं, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं और फिर तस्वीर वगैरह खींच कर फिर घर जाते हैं, घर वाले से ही मिलते हैं, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। चलत भाई सीन कुछ ऐसा बनाया है अपन ने, मीर के पास जा रहे हैं तस्वीर खींचने। अकेले अकेले जी, आप भी चलो हमारे साथ। आप लेके चलो, अभी जा रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। आदि भाई भी जा रहे हैं अपने साथ। आदि भाई जा रहे हैं और मेरे सेल्फी चल रही है माशाल्लाह। मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको यूज से ही रखे। ईद मुबारक भाई। भाई अभी नीचे चाची के घर पर मीठा खाकर आया हूँ, और अभी ऊपर आया हूँ तो उसी चाची ने ही मीठा दे दिया है। अब ये खाते हैं, फिर ऊपर जाके फिर लंबी नींद सो जाते हैं। 2000 years later। तो भाई अभी सोकर उठा हूँ, तो अभी तैयार हो जाता हूँ, तैयार हो जाऊँ पहले, सही है फिर। बाहर एक बंदा ही नजर नहीं आ रहा, मेरा तैयार हो गया, कोई फायदा ही लग रहा है क्योंकि बाहर बंदा ही नजर नहीं आ रहा। चलो तैयार है, चलो तैयार। भाई तैयार हो गया, तो अब 5 मिनट नमाज में, तो नमाज पढ़ता हूँ पहले। ठीक है, नमाज पढ़ लें। क्या बोल रही हो भाई? बच्चे बोल रहे हैं तस्वीर बनाओ, तो इनकी तस्वीरें वगैरह बना ली, तो नमाज पढ़ने चलते हैं। भाई नमाज वगैरह पढ़ कर हो गया फारिग, अभी दोस्त आ रहा है, वो आता है फिर चलते हैं। तो भाई दोस्त आ गया है बस, पहुँचने वाला है। मैं रास्ते में हूँ, इसका इंतजार कर रहा हूँ, तो रोड पर देखता हूँ। आया नहीं है झूठे किस्म के इंसान है ना, फोन कर कर बोल रहे हैं रास्ते में हूँ, बस तुम्हारे घर से 2 कदम दूर हूँ, लेकिन यहाँ जब आते हैं और ये हम घर से बाहर निकलते हैं मिलते ही नहीं। डोन आ रहा, डोन से मिलते। हाँ डोन, कहाँ जा रहे हो डोन? धमाके करने जा रहे हो? ये बच्चों की है, फाइनली 1-2 घंटे इंतजार करने के बाद ही आ गए। मैं झूठ कितना बोलते हो आप? किस चीज़ का झूठ बोला? पिछले आधे घंटे इंतजार कर रहा हूँ, आपका फोन आया कि घर के बाहर खड़ा हूँ। असल में मुझे थोड़ा सा फ्रेश होना था। अच्छा आपने झूठ क्यों बोला? मैं झूठ नहीं बोल रहा था, मैं ड्रामा देख रहा था। और ड्रामे में उसको ले लो ना, फिरोज खान के ड्रामे में आप एंट्री ले लो। मैंने छोटा सा ड्रामा देखा था। कौन से वाला? चलो तुम जब तक बाहर आओगे मेरा ड्रामा खत्म हो जाएगा। पी4 पकाओ तो नहीं देखा था? अच्छा, देखा। चलो खैर, एक एक करते हैं। दूसरा भाई भी आ गया हमारा, जल्दी आ जाओ। हेलो भाई जल्दी आ जाओ यार, स्टाइल ही नहीं जाएंगे, नया कुर्ता पावा और नई चप्पल पावा,
स्टाइल ही नहीं जाएंगे। लेट नहीं उठे आप? असर की नमाज भी निकल गई, आप क्या बताओ। चले भाई काट दीजिए। बहुत ही बातचीत करने के बाद सीन ये बना है कि हम बॉलीवुड जा रहे हैं हम, राइट। स्पेशली इस लड़की की वजह से इसने एक गेम बताया। कौन सा गेम बताया था? जंपर गेम बॉलीवुड में लगा है इसने बताया, तो वो खेलने जा रहे हैं। और एक गेम कौन सा है जो सोना निकालते हैं? वो शीशा बना हुआ था, उसके अंदर सोने की वो होती है पेटी, वो हाथ देके निकालनी होती है। स्पेशली हम दो गेम के लिए जा रहे हैं बॉलीवुड, तो बॉलीवुड में मिलते हैं आपको। चलाओ जल्दी पहुँचना बंदे। जा रहे कहाँ हैं यार? पहुँच जा रहे हैं भाई, अन्नी भाई की फरमाइश पे जा रहे हैं। अब्दुल्ला भाई ने बोला, मेरी बात सुनो एक मिनट यार। बोले तू बोल। तो नवीन भाई के फैंस जितने भी हैं, अब हैदराबाद के बॉलीवुड मॉल जरूर सर्वे करके जाएं, व्यू देखें, बहुत अच्छा है। माशाल्लाह बहुत अच्छी व्यू आ रहा है। सोने वाला हाथ में लगाते वो ना डब्बा होता है, भाई फाइनली फाइनली हम पहुंच गए, कुछ ही दूर है हमसे बॉलीवुड। और माइक ये आप चेक कर, कुछ ही दूर है आपसे बॉलीवुड। मैं लेना चाह रहा था, बैठे 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 गाना ही बना। अभी अब हमारे भाई सिंगर हैं, अभी इनको बोल रहे हैं बॉलीवुड टॉपिक का नाम है। हैदराबाद की आवाम सारी मॉल में आई। आज मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि हैदराबाद की आवाम सारी मॉल में आई हुई है। ऐसा लग रहा है जीतो पाकिस्तान के बाहर आए, जीतो पाकिस्तान देख रहा है भाई। तो भाई चेकिंग हो रही है इधर, चलते हैं अंदर। लेडीज यहाँ से जाएंगी, लेडीज हनी वहाँ से जाओ। माइट एक बार फिर चेकिंग जी जी हनी भाई आ जाओ जल्दी। आप यहाँ से आओ, हम यहाँ से जा रहे हैं। एक बार फिर चेकिंग है। माशाल्लाह कभी अपने भी दिन थे, लेकिन अपने अपने टाइम में ऐसी कारें आई नहीं है। तो वो है डोरी वाली खींच के चलाते थे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, डोरी वाली। दुकान ही हो पड़ी है, बड़ी अच्छी बात कही आपने। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं बोला पहले चटपटा खा लेते हैं। पूरा फरीदाबाद आ गया भाई। ये अब्दुल्ला है फरीदाबाद से, लोकल कम्युनिटी। अच्छा लग रहा है, मेहमान वाले पर आ गए लस्सी पीने। अबे ऊपर आने के बाद ऐसा भी लग रहा है कि मैं शाही बाजार पर आया, पर चप्पल जो बंदे रात को नहीं थी ना। अरे यार सुनो मेरी बात, तुमने बॉलीवुड में कचरा बना दिया आवाम में। तो मायर को इतनी आवाम आई है, लाखों में आवाम आई है, तो सही लग रहा है नए पुल पर आया बन चप्पल लेने। सॉरी हजारों में सुपर स्पेस आ गया भाई, सुपर स्पेस में जा रहे थे जंपिंग वगैरह ना, तो वो साहब बोल रहे हैं कि फैमिली अलाउ है, बट अब करना क्या है, अम्मी को पकड़ने पड़ेंगे। अमित भाई लाइन में लगे हुए हैं, बस मिल जाए इनको बर्गर, देख सकते हैं। अब्दुल्ला भाई और नवीद भाई दोनों बर्गर की लाइन में लगे भले जैसा। भाई यहाँ पर घूम फिर लिया हमने जितना घूमना था, और जिस मकसद के लिए आए थे वो मकसद हमारा पास नहीं हुआ। माइक सुपर स्पेस में, हाँ
सुपर स्पेस में हमें जाना था, लेकिन उन्होंने बोला फैमिली अलाउ है, तो अब चलते हैं बाहर की। चले ठीक है, नहीं भाई चलते हैं अपन। तो ना फैन बोलो भाई, फैन बोलो भाई, ये लोग हिट हो जाएगा, तो बाहर मिलते हैं अपन। एक भाई यही मिल गया, फैन फॉलोइंग बन गई। तो भाई बुली वर्ष से बाहर आ गए और आते ही चांद नजर आ गया, और आज पहली का चांद देख लिया माशा अल्लाह। ये वो चांद है जिसे हम दो दिन पहले ढूंढ रहे थे, कैमरों में भी नहीं आ रहा था, और आज हमारे खुद सामने आ गया। तुम्हारे अभी क्या सीन है? सीन कैसे, उसी के तो पैसे है लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। चेक करो यार आप, ये जा रहे हो क्या? अंदर जा रहे थे हम, लेकिन बाहर जो हमने रश देखा ना, मैं बता रहा हूँ मेरा जो अंदाजा है, कम से कम 150 आदमी बाहर अंदर जाने के लिए खड़े हैं, तो हमने कैंसिल कर दिया। ये बाहर से देखा है। हाल फिलो इलाका में आया? नहीं, विधान चलो। भाई आप सबको बताना चलूँ कि अभी खाने पीने का कोई सीन नहीं है, तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करो और बेल आइकन के बटन को ऑल पर प्रेस करो, ताकि हमारा आने हर आने वाला ब्लॉग